बडाला गांव से आ रही है बड़ी खबर। गांव में पंचायत हुई है, बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन के एक घंटे के बाद गांव बडाला के रामपल की हुई मौत प्रकरण में आज पंचायत हुई। पंचायत में आज कई घंटे ये पंचायत चली है और पंचायत में निर्णय लिया गया कि इसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। नौकरी की मांग की गई है। आपको बता दें कि SDM विकास यादव मौके पर पहुंचे हैं, उनको एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। हमारे गांव में किसी आदमी का नुकसान ना हो, यो सुनिश्चित करा था। और यो चीज जब दवाई आके चल रहा है, सरकार ने इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चाहे किसी आदमी का मुताबिक नुकसान हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की हो। आज सरकार उसकी जिम्मेदारी लेके उस परिवार का सारा पुत्र बसर का सारी व्यवस्था करे, जिसमें भी अच्छा होता। तीसरी बात, लेबर है पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम में दवाई का कोई खोप नहीं बताते। ये कई जगह ये केस हो रही है, कई जगह ये पोस्टमार्टम हो रही है। जड़े भी पोस्टमार्टम हो है और ये कहते हैं ये तो हार्ट अटैक का मर गया। हार्ट अटैक लगे बीमारी नहीं, हार्ट अटैक आया क्यों? इस दवाई का रिएक्शन भी तो हार्ट अटैक करवा सका है, हार्ट में जाम कर सका है, ब्रेन हेमरेज कर सका है, के कर सका है। वह बीमारी का के साइड इफेक्ट है, के रिएक्शन है, वो क्यों नहीं बताया जाता? ग्रामीण थी या किसी आदमी थी जिसका सवाल आया था, के साइड इफेक्ट हो उसका उसका कहा अपने काम में वैक्सीनेशन। हम मेडिकल स्टाफ का कोई दोष नहीं बताते। फिर एक चीज़ थी, पूरा एम्बुलेंस भी नहीं थी, पूरा ऑक्सीजन देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। आदमी ने कह दे तो देश जा, चाहे साइड इफेक्ट हो जाए, कोई का रिएक्शन हो जाए, एकदम जो घर तक नहीं पहुँच पाया। जब तक घर तक पहुँचने आ रहा था, गाल में चक्कर आया कि पड़ गया अरोड़े, तो उसका शरीर पूरा हो गया डायरेक्टर। बाकी तो फार्मर की थी भाई, डॉक्टर तो रैली आए, डॉक्टर ने देख दिया बोले हाँसी ले चलो, हाँसी ले के हंसा डॉक्टर ने जान देख दिया इसमें कुछ नहीं बात, तो इशार ले जाओ, इशार तो कह दिया बोला अगरवा ले जाओ। क्या निर्णय लिया गया पंचायत में आज? पंचायत में इस दुख भरी घटना पर जो फैसला लिया है वो ये लिया है कि भाई पंचायत ये मानती है कि सरकार का जो ये टीकाकरण अभियान है कोरोना के विरुद्ध, ये शंकाओं का जिन्हें में है। इसलिए रामफल शर्मा जी जिनकी मौत हुई है, हमारे गांव के निवासी हैं, उनकी इस दुखद मौत पर जो परिवार का भरण पोषण करने वाले जिम्मेदार परिवार के मुखिया व्यक्ति थे, उनको आर्थिक सहायता के रूप में उनके परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए, और दूसरा कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाए, छोटा बच्चे हैं, नाबालिग हैं सभी। दूसरी बात, इस टीकाकरण अभियान में जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और जब तक ये हमारी जो मांग है पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे, और इस मांग को पूरा करके सर्वसम्मति से गांव ने सभी लोगों ने ये फैसला किया है कि भाई इस आंदोलन को किसी भी स्तर तक से हमने जाना पड़े, इन मांगों को या इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मुख्य रूप से हमने यही चर्चा की है। इस हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे बीच से हमारे अजीज चले गए, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनको न्याय कम से कम मिले। प्रशासन जिस प्रकार की कार्रवाई में लगा हुआ, और सरकार का वैक्सीन है, स्थिति उनकी मजबूत है, लेकिन जब तक हम कुछ नहीं करेंगे उनके कानों तक आवाज़ नहीं जाएगी। हाँ जी, मैं गांव बटाला से ईश्वरदत्त शर्मा बोल रहा हूँ। मेरे भाई साहब जो है कल कोविड का टीका लगवाने गए थे 3 बजे, और जो है टीका लगवा के आए, उनका 1.25 घंटे के अंदर अंदर शरीर पूरा हो गया, कोविड के डिफेक्ट से वो एक्सपायर हो गए। सरकार से तो मांग जो है ना, उचित मांग जो है ना हमारी, एक आदमी को सर्विस और जो है ना कुछ आर्थिक मदद इनको मिल जाए, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई सरकार से हमको कुछ ना कुछ आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। मैं एक बुज़ुर्ग जो है हमारे की करीबन 65 साल के रामफल शर्मा जी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, और जो गांव में जो है एक प्रकार का ये मत था कि भी शायद उनकी वैक्सीन के कारण मृत्यु हुई है, तो उस बारे में जो है जो जानकारी भी प्राप्त की गई है और एक ज्ञापन भी प्राप्त किया गया है उसके अंदर, क्योंकि ये काफ़ी गरीब परिवार है, तो इनकी डिमांड है कि भाई जो जो उनके जीवन यापन के लिए
एक नौकरी और कुछ 50 लाख की राशि की मांग की गई है। इसको जो है कंसीडरेशन के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा और जो है इस संबंध में प्रशासन द्वारा जो मदद की जा सकती है वो की जाएगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को